तो आज हम देखेंगे बेसिकली POS, पॉइंट ऑफ सेल्स इन टैली। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक कंपनी बनाएंगे अल्ट डब्ल्यू प्रेस करके, एडुकेशन मोड में चले गए और अल्ट F1 किए और यहाँ पे चले गए क्रिएट कंपनी किए और यहाँ पे दे दिए जानकी रिटेल्स, जानकी रिटेल्स कंपनी का नाम, और यहाँ स्टेट दे दिए उत्तर प्रदेश और बाकी का डिटेल्स आप भर सकते हो, मैं बस इतना ही भर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ। हमारी एक नई कंपनी बन गई है। अब जो पहला स्टेप है हमारा वो क्या है, हमको बस यही गेटवे ऑफ टैली पे F11 प्रेस करना है। मैं F11 प्रेस कर रहा हूँ, उसके बाद स्टेटरी एंड टैक्सेशन में चले जाना। चले गए यहाँ पे इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सबसे पहले यस करेंगे और सेट अल्टर GST डिटेल्स, इसको भी यस कर देंगे। फिर यहाँ पे हमको GSTIN नंबर देना होगा, दे दिए। उसके बाद ये मंथली रहेगा, सेट अल्टर GST डिटेल्स रेट इसको करना पड़ेगा हमको, यस। तो कर दिए यस और यहाँ पे चले गए और GSTIN नंबर मांग रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे रखो GST डिटेल्स, यस GST डिटेल्स, इसके GST डिटेल्स में हमको यहाँ टैक्सेबल कर देते हैं, यहाँ 18% कर दे रहे हैं और पहले ठीक है, वो तो ठीक ही था, मंथली मंथली कर ही चुके हैं और कंट्रोल ए प्रेस कर दिए, तो ये ऑन हो गया फीचर। उसके बाद अपने क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप पे चले जाते हैं। सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, अकाउंट्स इन्फो में चले जाएंगे और वाउचर टाइप्स में चले गए। वाउचर टाइप्स में और यहाँ चले जाएंगे क्रिएट में। उसके बाद हमको यहाँ पे देना है POS इनवॉइस, POS इनवॉइस, और यहाँ पे रहेगा सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, सेल्स रहेगा, क्या रहेगा, सेल्स। उसके बाद एब्रिविएशन क्या रहेगा, POS रहेगा, एब्रिविएशन में POS। यहाँ क्या रहेगा, मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग में रहेगा हमारा ऑटोमेटिक, प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग ये हमारा रहेगा, यस। उसके बाद हमारा रहेगा प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, यस कर दिए। यूज फॉर POS इनवॉइस ये क्या रहेगा, ये भी रहेगा, यस। यहाँ पे एक मैसेज दे देंगे, थैंक यू, और यहाँ पे मैसेज टू में दे दिए विजिट अगेन, ठीक है। उसके बाद डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट, यहाँ पे तुम दे सकते हो अपना, उसका नाम तो मैं दे देता हूँ जान की रिटेल्स दे दिए। उसके बाद यहाँ पे सेट अल्टर डिक्लेरेशन इसको कर देते हैं, यस। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, डिलीट कर दो इसको और यहाँ पे लिखो आप गुड्स वंस सोल्ड विल नॉट बी रिटर्न, मतलब एक बार अगर आप गुड्स बेच दिए तो ये आप बोल रहे हो कि मैं यहाँ से अब रिटर्न नहीं लूँगा, और आप कंट्रोल ए प्रेस कर दो। फिर अपना थर्ड जो स्टेप है वो क्या है कि अपने जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, चले गए F8 प्रेस करेंगे, F8 प्रेस किए, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है POS इनवॉइस,
पीएस इनवाइस सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद आप यहां पे पार्टी का नाम दे सकते हो, कैश, क्या है ये, यहाँ कैश ले सकते हो, कैश ऑलरेडी है। कैश कस्टमर बनवा लो, कैश कस्टमर, ठीक, यहाँ रहेगा कैश इन हैंड, ठीक। ये जो पार्टी है जो हमसे सामान लेगा वो कैसा है, कैश में खरीदेगा, तो उसको हम क्या लिख दिए, कैश कस्टमर, और सेव कर दिए। कैश कस्टमर का एड्रेस, एड्रेस भी आप लिख सकते हो, और यहाँ पर अलसी मार के बना लो सेल्स इंट्रा स्टेट, और ये कर लो, और यहाँ पे रहेगा क्या, सेल्स अकाउंट, ठीक है। इज जीएसटी एप्लीकेबल, एप्लीकेबल रहेगा, सेट अटल जीएसटी डिटेल्स, यस रहेगा। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या रहेगा, सेल्स टैक्सेबल, सेल्स टैक्सेबल, और इंटीग्रेटेड टैक्स क्या कितना रहेगा, 18%, 9% हो गया। कंट्रोल ए प्रेस करो, यहाँ टाइप्स ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, गुड्स, क्योंकि हम सामान बेचेंगे तो ये गुड्स ही रहेगा, कंट्रोल ए प्रेस कर दिए। यहाँ पे आप बना सकते हो, कुछ आइटम बना लो अल्ट सी मार के, मैं बना लिया रेडमी वन एस, अंडर कर लिए क्या, अंडर है ये क्या, किस कैटेगरी में आता है, मोबाइल, सूट क्वांटिटीज ऑफ आइटम भी एडेड, ये एस रहेगा, और यहाँ यूनिट्स में दे दिए एन ओ एस, यहाँ दे दिए नंबर्स, यहाँ दे दिए नंबर सेलेक्ट कर लिए, और जीरो डेसिमल प्लेसेस कंट्रोल प्रेस कर लिए। फिर कंट्रोल प्रेस कर लिए, यहाँ पे आप 5 आइटम सोचो सेल कर रहे हो, कितने कैरेट से सोचो, 5999 कैरेट से सेल कर रहे हो। अल्टी मारो, यहाँ बनाओ सीजीएसटी बना लो, और यहाँ दे दो कितना, ड्यूटीज एंड टैक्सेस क्या रहेगा, सीजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी है, सीजीएसटी कैसा है, सेंट्रल टैक्स है, कितना परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, 9%, और सेव कर लिए, यहाँ बना दो अलसी मार के सीजीएसटी, और ये रहेगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, कैसा टाइप का टैक्स है, जीएसटी, ये कैसा है, एसजीएसटी मतलब स्टेट टैक्स है, और 9% ले लिए, कंट्रोल प्रेस कर दिए। देखो अपने आप आ गया रेडमी वन एस, 9% सीजीएसटी और एसजीएसटी लग गया, टोटल अमाउंट हुआ था 29,995 का, और इधर हो गया कितना, सीजीएसटी एसजीएसटी लगने के बाद 35,394 रुपये का हो गया। ये सब रहेगा क्या, नॉट एप्लीकेबल, यहाँ सेलेक्ट करोगे कैश, कैश, और यहाँ अमाउंट जो है वो आ गया 35,394 रुपये का, सामान हुआ है हमको मिला कितना, 36,000 रुपये, और हमको 605 रुपये उसको लौटाना है। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये पता चलेगा कि मेरा हुआ था अमाउंट बिल 35,394 का, कस्टमर ने दिया मेरे को कितना, 36,000, तो मेरे को कितना लौटाना है उसको, 605 रुपया 90 पैसा, ठीक है। कंट्रोल ए प्रेस कर दो, या फिर आप इसको अल्ट टी प्रेस करके प्रिंट कर लो, अल्ट जेड मार के आप देख सकते हो, ये बिल हो गया। यहाँ पे देखो जो हम लोग लिखे थे, थैंक यू विजिट अगेन लिख रहा है, जानकी रिटेल्स, पूरा ये बिल आ गया, इसको कस्टमर को हम दे देंगे, और फिर क्या करेंगे, उससे पैसा तो ले ही लिए हैं, बिल दे दिए उसको, है ना, फिर इसको सेव कर लेंगे, वही बोल रहा बिफोर प्रिंटिंग आप सेव कर सकते हो, ये सेव हो गया। अब आप पेजअप करके पुराना अपना बिल देख सकते हो। तो ये था POS in GST।